दोस्तों आज हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के स्टॉक के बारे में। टेक महिंद्रा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 6.10% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1311 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1269, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1234 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1199 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1356 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1414 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1476, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1556 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1600 एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 1650 और 1700 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।